But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के ट्रेलर के बारे में। मैं मॉर्निंग में सुबह से बैठा हूँ, कैप्टन मार्वल के ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ। यूट्यूब पर बैठा हूँ, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह से मैं एक्टिव हूँ, फिर भी मुझे कोई न्यूज नहीं मिली कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर कितनी देर में लॉन्च होगा। और जबकि हर एक वेबसाइट ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका ट्रेलर आज लॉन्च होगा, उसके बाद सबसे बड़ा सबूत कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर आज ही लॉन्च होगा, सिनेमा यूरोप ने भी डाल रखा था, बट मार्वल स्टूडियो ने धोखा दे दिया उन लोगों को, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च नहीं करा। और इसका रीजन बताया ये जा रहा है, जो रूमर्स आ रही है कि एंटमैन का तीसरा ट्रेलर लॉन्च करेंगे, उसके बाद एंटमैन रिलीज हो जाएगी, तब जाके वो कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। और इसकी पुष्टि हमें दी है कॉमिक बुक वेबसाइट ने, जो कि बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, और उन्होंने पूरा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने बताया कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर इसलिए रिलीज नहीं करा गया, अगर वो रिलीज कर देते तो फैंस की कमी हो जाती और वो एंटमैन के ट्रेलर पर कम ध्यान देते। जी हाँ, मेन रीजन ये बताया गया क्योंकि उन्हें एंटमैन का तीसरा ट्रेलर लॉन्च करना है, जो कि बिल्कुल तैयार है रिलीजिंग के लिए, बट अगर कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च हो जाता तो एंटमैन के व्यूज कम पड़ जाते। उन्हें हर एक मूवी को एक्टिव रखना है और पॉपुलर करना है, इसलिए मार्वल स्टूडियो का ये फैसला था कि जब तक एंटमैन रिलीज नहीं हो जाती, जब तक उसका ट्रेलर लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक वो कैप्टन मार्वल की कोई भी झलक नहीं दिखाएंगे फैंस को। ये है उनका फाइनल डिसीजन। और गाइस, आपको क्या लगता है कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर आज लॉन्च हो जाता तो क्या कैप्टन मार्वल बीट कर पाती एंटमैन को? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि फैंस दोनों बराबर हैं। जितना प्यार वो एंटमैन दावास से करते हैं, उतना ही प्यार वो कैप्टन मार्वल से भी करते हैं। उसके बाद तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर सबका बाप है ही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की सबसे बड़ी न्यूज, तो फाइनली डीसी की तरफ से खुशखबरी, हमारी डायना प्रिंसेस का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि विजुअल इफेक्ट का बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद स्टीव, जो कि वंडर वुमन के पहले पार्ट में मारे गए थे, वो भी रिटर्न हो चुके हैं, और उनका ये लुक काफी क्लासिकल लग रहा है, और ये 84 की थीम पे तो काफी धमाल का लग रहा है। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन ये मैंने दोनों फोटोज अपने ऑफिशियली फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर डाल दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद डिज्नी ने अपने डम्बो का पहला ट्रेलर लॉन्च कर दिया, जो कि आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। तो ये प्यारा सा हाथी, इसका पहला ट्रेलर बहुत ही अच्छा गया, बट उम्मीद थी कि आज कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च होता, बट ऐसा नहीं हुआ, और फाइनली डम्बो का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। डीसी के कुछ अपडेट आ गए। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर कंडेज के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।